ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिन्हें सुनकर आपके मुंह से बरबस ही निकल पड़ेगा, वाह रे जमीन। आज इसी जमीन की वजह से एक गांव में दो लोगों की आखिरकार चली गई जान। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा से है, जहां पर फसल काटने के विवाद को लेकर दो पक्षों विद्याराम पुत्र सांवली प्रसाद यादव निवासी बाबूपुरवा तथा पंकज पुत्र फेरन व इनके परिवारी जन निवासी नकहा के मध्य मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष सजातीय एवं सगे रिश्तेदार हैं। पूर्व में कभी भी इनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ। मृतक द्वारा अभियुक्त के पिता के मौखिक तौर पर ली गई जमीन पर खेतीबाड़ी का काम किया जा रहा था, जहां पर दोनों पक्षों के बीच फसल कटाई को लेकर वाद विवाद एवं मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके फलस्वरूप खेत में कृषि कार्य हेतु ले जाए गए ट्रैक्टर से दबकर विद्याराम पुत्र सांवली प्रसाद की मौत हो गई तथा मारपीट में घायल दूसरे पक्ष के ननके पुत्र कन्हई लाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर थाना मल्लीपुर पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी जमनाहा पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंची तथा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर मुआयना किया व प्रभारी निरीक्षक मल्लीपुर को विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए। फलस्वरूप दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मृतक विद्याराम यादव के पुत्र अखिलेश यादव की तहरीर पर 404/2023 धारा 302, 307, 147, 149 बनाम राम फेरन अवधराम और कन्हई लाल पुत्रगण सकटू पंकज और लुल्ली पुत्रगण फेरन ननके हेमाऊ और लल्लू पुत्रगण कन्हई लाल निवासी नकहा पोस्ट किशनपुर चंदन भारी थाना मल्लीपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं दूसरी तरफ कन्हई पुत्र सकटू निवासी नकहा धर्मनगर की तहरीर पर भी सावली प्रसाद विद्याराम केमल मुन्ना लाल अखिलेश आदि के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा घटना घटित होने के मात्र 6 घंटे के अंदर ही एक पक्ष से कन्हई पुत्र सकटू हेमराज हेमाऊ पुत्र कन्हई तथा दूसरे पक्ष से अखिलेश पुत्र विद्याराम यादव दद्दन पुत्र विद्याराम केमल पुत्र के चढ़ावा को गिरफ्तार किया। कुछ नहीं खेती के कितने दिन से विवाद तो कई साल से रहा साहब ये लेकिन ना खेत उनसे मोल बैनामा नहीं भरा रिश्तेदारे हुए तो कहने बाद में बयान दे देवे ऐसे जोते रहे जोते रहो के बाद में बेईमानी पर उतर आए हुए कहीं हम खेत ना देवे ना पैसा देवे आपको जोते रहे वक़्त रहे वो चढ़ाए दिन अच्छा और कोई चोट खाया हाँ इनके नलकी के वाइफ के हाथ तोड़ दिन या लड़का का या लड़का का खेत नकारी लोग रहे वो 6-7 मिला रहे साहब जिनके मौत हुए क्या नाम है विद्याराम इनके पिता के सावली प्रसाद। पुलिस क्या कर रही पूरे मामले में साहब पुलिस वहाँ नहीं थी जान पैसे जुटते लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए इमरजेंसी में रखे हैं। कौन से गांव का रहने वाले आप लोग ग्राम बाबूपुरवा किशनपुर चंदनधारी आज वो है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है क्या है पूरा मामला ये बाबूपुरवा गांव पड़ता है थाना मल्लीपुर अंतर्गत। यहां से हम लोगों को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी पुलिस को कि यहां पे दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही थाना की पुलिस सीओ साहब और मेरे द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हम लोग ने यहाँ पे जब मृतक के फादर से बात की है तो उनके द्वारा सभी चीज़ें हम लोग को बताई गई हैं। ये पुराना इन लोगों का कुछ विवाद चल रहा था कई साल पहले जो अक्यूज्ड है इसमें मेन पंकज उनके पिता ने मौखिक रूप से इनको ज़मीन बेची थी जो मृतक के फादर हैं और आज उसी में जो मृतक है वो जमीन की बुआई उवाई कर रहे थे फसल असल काट रहे थे जिसको अक्यूज्ड और उनके साथ और 4-5 लोग थे उन लोगों ने जो है इस पे ऑब्जेक्शन किया और उसको रोकने की कोशिश की। इसी में दोनों लोगों के बीच हाथापाई हुई और पंकज जो कि मेन अक्यूज्ड हैं इन्होंने मृतक विद्याराम इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे मौके पर उनकी मृत्यु हो गई और इसमें हम लोग सब लोग आ गए हैं मौके पर। कानून व्यवस्था की स्थिति सही है बिल्कुल तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।